हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन इनटू आवर चैनल। तो आज हम आए हैं हार्वे नॉर्मन और हमें लेना है गैस हीटर एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स फॉर आवर होम। सो लेट्स गो इनटू हार्वे नॉर्मन एंड चेक। तो देखिए मित्रों, सिडनी में अभी पड़ रही ठीक ठाक सी ठंडी, लगभग एक महीने से शुरू हो गए। और मैं गया था के मार्ट से, मैं एक हीटर लेके आया था इलेक्ट्रिक का, वैसे तो हमको चाहिए था गैस का, तो वो $65 का है। वो इस तरह के हीटर्स में नहीं है जैसे यहाँ पर ये रखे हुए हैं। ये हम हैं इस वक्त हार्वे नॉर्मन में, तो ये जो सामने हैं वो इनमें से कुछ है, इतना बड़ा नहीं, वो जो लास्ट वाला है उस साइज़ का है वो, पर उसका जो हीट है वो उतना अच्छा है नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक वो सारा कुछ उसमें रिमोट कंट्रोल और सब कुछ। और गैस के भी कम आते हैं, ये जो सेक्शन दिख रहा है हार्वे नॉर्मन में, तो बस ये इतना ही जो है गैस का आपको मिलेंगे। तो ये अलग अलग साइज़ हैं और उसी हिसाब से अलग अलग जो है, तो इनमें एरिया भी कवर करने की क्षमता है। जैसे ये देखिए $999 का, लगभग $1000 का समझिए, तो अपने इंडियन रुपीज़ में 55,000 रुपये का है ये हीटर है, 899 का, 900 का, तो लगभग जो है तो ये 48,000-49,000 का है। तो इस तरह से ये $1199 का, ये सब अलग अलग कंपनी के। तो ये जो कंपनी लगी हुई है इसका पाणे जी को रिव्यू पहले से भी किसी ने बताया हुआ है कि अच्छा है, तो हमने ये जो $1399 का है, $1400 का, तो लगभग ये 78,000 रुपीज़ का पड़ा है ये वाला, अभी की जो डॉलर्स के रेट हैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो हमने एक तो फाइनलाइज़ किया, तो ये इसमें लिखा है मीडियम साइज़ का, तो मतलब उसने बताया लड़की ने सब देख के डिटेलिंग में कि ये 50-55 स्क्वायर मीटर सफिशियंट रहेगा। और इसमें ये देखिए पीछे है पाइप है, ये इसमें जो है इंसर्ट करके हमारे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है गैस का। अगर आप बिल्डिंग के साथ कंपेयर करें तो हाउस थोड़े ज़्यादा जल्दी ठंडे होते हैं, तो हीटर के बगैर काम चल नहीं सकता। और यहाँ बहुत फैंसी फैंसी देखने सुनने में काफ़ी अच्छे टाइप के भी ये हीटर्स हैं, पर ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमारा एक गैस से काम चलेगा नहीं। एक तो मैं ले आया हूँ, तो अब हम उसको आज ही वापस करेंगे, क्योंकि मैं भी परसों नरसों ही लाया था। तो ये एक देखिए $49 का जो है, $50 का समझिए छोटा वाला, पर हीट ये भी ठीक ठाक अच्छा करता है, तो ये लिया है। और एक $139 का ये है, तो एक ये लिया और एक ये लिया, और उधर वो वाला एक हीटर गैस का लिया। ये इलेक्ट्रिक के हैं दोनों, वैसे ये भी इसका भी जो उसने बोला, अगर आप ये लेते हैं तो रात में आपको नाइट लैंप नहीं जलाना पड़ेगा, इतनी लाइट रहती है इसमें। ये थोड़ा हैवी है, उसमें व्हील्स लगे हैं, तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और इससे मुझे लगा उसमें जल्दी फास्ट जो है हीट होता है, जैसे सब कुछ चला दिया घर वार्म हो गए, क्योंकि फिर ठंडी में मज़ा नहीं आता घर के अंदर, फिर सॉक्स पहन के बड़े बड़े जैकेट और कंबल लेके तो आप टीवी भी कभी देखने बैठे तो कर नहीं सकते। ये हैं ऑयल हीटर्स, तो इनका पता नहीं मैकेनिज्म क्या होता है। एक बार मैंने ख़रीदा था और एक हफ्ते रख के वापस कराए थे। अच्छा, यहाँ एक बात ये अच्छी है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट जो है तो ख़रीद के ले आए और डैमेज नहीं हुआ बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप उसे वापस कर सकते हैं, यहाँ आराम से वापस हो जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स, फर्नीचर और मोबाइल से रिलेटेड, अगर आपको बाथरूम से रिलेटेड जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो लेना है, उन सब के लिए यहाँ पर आपको, जैसे आप रिनोवेशन करवा रहे हैं या नया घर बनवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको बाथरूम में जो कुछ भी लगाने होते हैं, शावर है और बाथटब हैं, डोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कुछ भी है सब आपको यहाँ पर मिलता है। थोड़ा सा क्वालिटी वाइज हार्वे नॉर्मन जो है बेटर है, और प्राइस वाइज भी थोड़ा सा अच्छा ही है, लाइक थोड़ा महंगा तो है ऑफकोर्स। हमने 2-3 लैपटॉप्स वगैरह जो हैं यहीं से ख़रीदे हुए हैं, और एडिलेड में जब हमने टीवी ली थी तो वो भी यहीं से ली थी हार्वे नॉर्मन से, क्योंकि ये तो हर जगह है, एडिलेड भर में नहीं है, मतलब सिडनी भर में नहीं है, सब जगह है, हर शहर में मिक्सर विक्सर टाइप की चीज़ें हैं, ग्राइंडर जो होते हैं वो, और किचन से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं। आपको टीवी लेना है, एसी लेना है, फ्रिज लेना है, ड्रायर लेना है, तो फर्नीचर, सोफे वगैरह, डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, और काफ़ी बेहतर। ये देखिए यहाँ पर टोस्टर वगैरह हैं, कुकिंग से रिलेटेड हैं, ये टोस्टर अच्छे लग रहे हैं ना, हमारे घर में तो हैं, दो हैं ऑलरेडी,
और टीवी वगैरह यहाँ पर है। और ये भी फ़ैन है, ये वाले जो फ़ैन लगे हैं यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं आप बड़े बड़े से, इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों सिस्टम होते हैं। मैं पूरा तो घुमाऊँ नहीं क्योंकि वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। ये देखिए, अगर आपको कुक टॉप वगैरह लेना है, ये जो होता है गैस का कुकिंग का है कुक टॉप, तो नीचे यहाँ पे अलग आपका लगा होता है सिस्टम। ये तो चूँकि डिस्प्ले के लिए लगा रखा है और इस तरह से ऊपर आप लगा सकते हैं। हमने भी कोशिश की थी लेकिन वो थोड़ा सा साइज़ जो है मैच नहीं हो रहा था, और ये था फिर कटवट करके करना पड़ेगा, जबकि हमारा गैस वो अच्छी कंडीशन में था, बहुत बढ़िया कंडीशन में था। तो फिर बाद में हमने इरादा बदल दिया क्योंकि फिर पूरा चेंज करके टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था और हमको मूव करना था। देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, एक ही गैस में आपको ये 5 बर्नर मिल जाएंगे और इनके ये सिस्टम्स हैं। और नीचे इनमें जो है तो ओवन वगैरह और ग्रिल वगैरह होता है, तो अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है घर में और बेक करना है, जैसे बिस्किट हैं, अपने यहाँ स्पेशली मैं बता दूँ, जैसे हम लोग मुंबई में दीपावली के समय जो है तो अपने घर से प्रिपेयर करके लेके जा करके नान कटाई जो है बेक करवाने जाया करते थे बेकरी में, तो मुंबई में तो खैर हमारे घर के आसपास ही था। कितने सारे देखे डिफरेंट डिफरेंट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। वैक्यूम क्लीनर्स तो स्टीम वाले भी होते हैं, स्टीम के अलावा नॉर्मल भी होते हैं। भैया टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल करके रख दी है। देखिए ये जो है गैस के हैं, ये पूरी प्रॉपर गैस हैं, नीचे ऊपर सब कुकिंग के लिए सारा कुछ, ये सेक्शन ही कुकिंग का है। आगे आप देखिए पूरा डिश वॉशर वगैरह है यहाँ पर, ये हाँ डिश वॉशर ही देखो लिखा भी है। तो ये है, ये अगर आप कार वगैरह को करना चाहते हैं वैक्यूम तो उसके लिए हैं। मैं एक बार लेके गया हूँ ये छोटा वाला, ऐसा था तो पता नहीं, बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं था मेरा, अभी भी नहीं है। फिर मैंने जो नया वैक्यूम क्लीनर लिया था अभी मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले लिया था, पर मैंने उसको खोला नहीं था क्योंकि पुराना वाला चल रहा था। फिर हमने जब घर मूव किया तो मैंने नया वाला खोला और उसमें बहुत बढ़िया कार साफ़ करने के लिए एक अलग से पार्ट था जो मैंने लगाया और यूज़ किया एक बार, बहुत अच्छे से कार साफ़ हुई अंदर से। पर उस टाइम पे घर में चल रहा था काम, तो 10-12 लेबर वगैरह सब थे, पेंटर्स और इधर उधर वाले सब लोग, और अंशिका को मैंने वो पार्ट निकाल के दिया तो अंशिका माता ने जो है पता नहीं कहाँ रख दिया, तो मिसप्लेस हो गया है। ये देखिए, ये घर में अपने मन से क्लीनिंग करते रहते हैं तो इनको रोबोट कहते हैं। तो ये देखिए लिखा है ना रोबोट वैक्यूम, तो ये रोबोट वैक्यूम है। ये 1400 का है, ये 1300 का है। तो इसमें एक आपको एरिया फिक्स करना होता है और सेटिंग करनी होती है, एक बार आप सेट कर देते हैं तो अपने हिसाब से घर में अकेले घूम घूम करके, ऊंचा नीचा होगा आपका जो फ्लोर है फर्श है तो उसको भी वो मैनेज कर लेता है अगर आप सेटिंग अच्छी है तो। तो ये इस प्रकार से ये है भैया हार्वे नॉर्मन, और यहाँ हमारा जो है सौदा हो चुका। 3 हीटर हमने खरीद लिए हैं, अब पाणी जी मुझे बुला रही हैं। अब देखना ये है कि मुझे ये हीटर पिक कहाँ से करने हैं, क्योंकि इसकी हम डिलीवरी वगैरह नहीं करवाएंगे तो गाड़ी में आराम से डाल लेंगे और चला जाएगा। ये मेन काउंटर है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वाला। मुझे वैसे अपने चार्जर्स जो हैं गाड़ी वाला बदलना है, उसकी लीड बदलनी है, बाकी चार्जर तो उसमें लगे हैं 2-2। तो यहाँ पर लैपटॉप्स भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। काफ़ी बड़ा है हार्वे नॉर्मन और ये यहाँ का एक बहुत ही रिप्यूटेड शॉपिंग का प्लेस है। हार्वे नॉर्मन की अपनी एक इमेज बहुत अच्छी है, प्राइस थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। लेकिन एक और हाँ मैं आपको बात बता दूं, आपको कैसे तो अगर आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हैं, कहीं पे भी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बात आपको पता होगी। पर मित्रों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 998 डॉलर का ये प्रोडक्ट है मान लीजिए, और आपने वहीं पर खड़े होकर के अपने मोबाइल में ही इसी एग्जैक्ट प्रोडक्ट को इंटरनेट में डाला और उसको कंपेयर किया कि आसपास है पूरे शहर के किसी भी दूसरे शॉपिंग मॉल में या किसी भी दूसरी शॉप में कहीं पर भी अगर ये 998 के बजाय 750 का हो या 800 का हो तो ये फिर किसी भी शॉप में यहाँ पर जाओ और आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि देखिए यही सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। वो तो प्रोडक्ट के अपने कोड्स होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा, वो आपको वही प्राइस लगा करके देंगे क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे ज़्यादातर लगभग सभी जगहों में ये मेंशन किया होता है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस देंगे। तो थोड़ा सा आप होमवर्क करके आएँ या यहाँ आके भी कर सकते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा प्रूफ में कि ये यहाँ पर इस रेट में है।
तो आप कभी भी अगर आप मोबाइल लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, ये सब चीज़ें वर्ल्ड वाइड हर जगह जो हैं तो उसी तरह से बिकती हैं, सेम कंपनियां हैं और वो सब जगह उन्हीं की सप्लाई होती है, उन्हीं के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। और ये सब ब्लूटूथ के हैं, रखे हुए हैं स्पीकर, मेरे पास भी दो तीन हैं, एक ऑफिस में है, एक गाड़ी में है, एक घर में है, तो कभी कभी मुझे मोबाइल से कुछ कनेक्ट करके सुनना है, कुछ करना है तो हम यूज़ करते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एप्पल वॉच वगैरह हैं, मोबाइल्स हैं, बहुत कुछ है। वैसे यहाँ एप्पल के अलग स्टोर्स भी होते हैं बहुत बड़े बड़े, और जब भी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2009 से लेकर के और अब तक एप्पल ही यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल जो है मेरा तो एप्पल का ही है। तो अभी देखते हैं, अब कोई नया मॉडल लॉन्च होगा तो नेक्स्ट ईयर तक लेंगे, अभी तो बहुत खर्चा वगैरह हो गया है, घर खरीदना, फिर उसके बाद में उसमें ऊपर से हमने खर्च कर दिया घर को ठीक ठाक करने में। ये है देखिए हार्वे नॉर्मन का फर्नीचर का एरिया, यहाँ पर आपको बहुत दूर तक इधर सब फर्नीचर ही लगे हुए हैं, और इस तरफ भी है, ये पूरा फ्लोर जो है फर्नीचर का है, बहुत बड़ा फ्लोर है। देखिए इधर है एक एंड और एक एंड इधर है, ये पूरा फर्नीचर का ही है। हम जहाँ अभी ऊपर शॉपिंग कर रहे थे वो सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का था, वो मेरे ख्याल से वो लिफ्ट से आएगी लड़की। ये देखिए बारबेक्यू के सेटअप्स रखे हैं, जैसे आप अपने घर के पीछे साइड में ये सब इस तरह से लगाते हैं लोग। अगर आपके पास कोई शेड है या फिर आप नए घरों में, तो वैसा आजकल बनने लग गया है कि आप आराम से बारबेक्यू को बना के ही दे देते हैं बिल्डर, बहुत अच्छा सेटअप होता है, जहाँ सिंक वगैरह सब लगा होता है। कुकिंग के लिए भी कर देते हैं तो इजी होता है, अपने इंडियंस लोगों का पूरी पराठे का भी सिस्टम चलता है, तो ऑयली फूड फिर लोग कई बार जो है बाहर पकाना प्रेफर करते हैं। अभी हम यहाँ पर ऊपर थे, ये यहाँ से है एस्केलेटर है ऊपर जाने के लिए, और ये सब पूरा फर्नीचर का ही है, खूबसूरत, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होता है लेकिन है अच्छा है, आपको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और अच्छी बात ये है, आज हमने हार्वे नॉर्मन में भी देखा कई चीज़ें जो हैं अब यहाँ आपको देखने को मिलेंगी मेड इन ऑस्ट्रेलिया। और इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइए कि आपको हार्वे नॉर्मन कैसा लगा। सो फाइनली वी बॉट अवर गैस हीटर एंड इलेक्ट्रिक हीटर फॉर अवर होम, सो आई होप सो नाउ दिस इज गोइंग टू कीप अस कोजी इन दिस विंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।